असल जी आप देख रहे हैं गेम ऑन है और बात होती है जी इस शो में क्रिकेट के हवाले से मेरे साथ मौजूद होते हैं राशि लतीफ़ पाकिस्तान के सबक कप्तान एक साहब ने और कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन वो आज आजकल गाई पर उनको ढूंढ रहे हैं हम लेकिन राशिद मियाँ वेलकम ऑन बोर्ड कैसे हैं वालेकुम है आकिब जावेद साहब आप जीत गए हैं तो लिफ्ट नहीं करा रहे हैं आकिब जावेद साहब आप तो आ जाए आपको कुछ नहीं किया कहा जाएगा इनके लिए तो वो कहा जा सकता है सानो नहर वाले पुल तब बुला के माई तू कितें रह गया एनी वेज कल बात हुई राशि लतीफ साहब ने बात की एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की ओबियसली एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स एनी बडी जो कि टीयर अवे कहते हैं आप हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर्स पर आर और मोर जो और इसमें बड़े सारे मैकेनिक्स इन्वॉल्व हैं कितना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में बॉल नज़र आता है बैट्समैन को कितना रिएक्शन टाइम होता है कितनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है और शायद आप हैरान हो जब आपको मैं ये कहूँ कि वो जो बॉल मीटिंग द बैट होता है वो प्लेयर्स देखते नहीं बॉल को वो एक परसेप्टिव जो है वो उसकी लाइन में जाके खेलते हैं सो ये एक पूरी एक मैकेनिक्स है लेकिन कुछ फिर ऐसे भी बॉलर्स गुजरे जिन्होंने टियर अवे फास्ट बोलिंग को भी नया रंग दे दिया एंड द फर्स्ट वन वाज जिन्होंने 1975 सेवेंटी में थंडरबोल्ट फेंके वो थे जेफरी टॉम्पसन उनका स्लिंगिंग एक्शन था और स्लिंगिंग एक्शन से वो पेस कैसे जनरेट करते थे ये राशि से डिस्कस करेंगे बट ही क्लॉक्ट वो जब एक कंपटीशन हुआ था नाइनटीन सेवेंटी फास्ट बोलिंग कंपटीशन वहाँ पे ही क्लॉक्ट हंड्रेड माइल्स पर आर यानी कि हंड्रेड किलोमीटर्स पर आर, सो 160 सिक्सटी में पहले थे जी जेफरी टॉम्सन दूसरे फिर शुएब अख्तर फ्रॉम पाकिस्तान ये रिकॉर्डेड जो स्पीड्स हैं वी आर नॉट सेइंग कि और भी इनसे तेज़ करते थे या नहीं करते थे अगर एंडरसन रॉबर्ट्स ने 159.4 किया तो शायद वो कभी 160 भी किया उन्होंने बट उनका पीछे का गेंद बहुत तेज था सो सेकेंड वॉज शुएब अख्तर एंड थर्ड वॉज ब्रेटली फोर्थ वॉज शॉन टेट एंड देन फिफ्थ वॉज अपने स्टार्क सो so, इसका मतलब है कि ये चार ऑस्ट्रेलियन और एक पाकिस्तानी ये शायद बॉडी डायनामिक्स ऐसी हैं और शुएब अख्तर एक आप कह सकते हैं कि ऑड मैन आउट इन दिस लिस्ट प्रॉबली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अपर टॉसो बहुत स्ट्रांग था डैन कीजल के साथ मेहनत बहुत करते थे बेस बहुत स्ट्रांग थी हालांकि वीक नीज थे बट क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी बहुत थी और उनकी हाइपर एक्सटेंशन थी जिसकी वजह से वो ये अचीव करे और उन्होंने 161.3 किलोमीटर्स पर आर पे गेंद किया जो कि वर्ल्ड कप 2003 अगेंस्ट इंग्लैंड और निक नाइट ने बड़े मज़े से खेल लिया था लेकिन जब उन्होंने यूं करके देखा था तो शायद उनको भी तजस हुआ कि ये क्या था सो आज विजुअल एविडेंस के साथ राशिद से बात करते हैं और अपने एम को कहते हैं कि शुयब अख्तर अगर हमें दिखा पाएँ और फिर हम डिस्कस करते हैं जरा राशिद केस इसलिए सईद भाई ने भी कैच पकड़ लिया <laughs> 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 ये वो है ना जो हम टूर्नामेंट जीत गए थे सीरीज जीत गए थे ओके सो दिस वाज शुएब अख्तर अब इनकी अगर थोड़ी मैकेनिक्स आप बयान करना है चाहें है चाहे फॉर अभी अवतार के बाद बोल देंगे तो फिर बयान करेंगे अभी अच्छा आप अभी आप, आप, आप मुश्किल है मुश्किल हो जाए देखिए कोई भी किसी बॉलर के लिए आपको बात करने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है कोई गलत चीज ऐसी ना चली जाए जो कि बच्चों के लिए बच्चों के लिए नहीं बड़े भी नहीं समझ पाते सर बच्चों की तो छोड़ दें आप आपको समझाना सबसे पहले उसका <laughs> मुश्किल होता है आ, यार वो एक मुहावरा होता था उर्दू का उड़ता क्या था वो उल्टा चोर कुतवाल को, को डांटे कई दफ़ा वैसे मुहावरा बोला भाई आप बता दें मुझे तो आता ही नहीं भाई आप आप एक्सपर्ट हैं मैं कहाँ एक्सपर्ट नहीं, नहीं एक्सपर्ट नहीं कोई गेम में कोई भी नहीं है अगर नहीं। बायो मैके बात करें तो आपने क्या किया हुआ है मैं मास्टर किया हुआ है मास्टर बताएं फिर नहीं वो फिर अब वाली बात है कि जब आप इन्वॉल्व होंगे फिर करेंगे क्योंकि वो जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप ग्राउंड में आपने देखा हुआ है सो दैट एड्स टू एन एक्सपीरियंस ना कि आपने प्रॉपर मैकेनिक्स देखी हैं आपने तो फर्स्ट स्पेल में एक्शन देखा होगा सेकेंड स्पेल में थर्ड स्पेल में स्ट्राइड्स कैसे थे ये कितना सस्टेन करते थे तीसरे वो फिर मजा आएगा ना वो फिर बेस्ट होनी चाहिए तो फिर प्रॉपर हो ना जी इस तरह कोई फ़ायदा नहीं होगा अच्छा आ, दूसरा अगर हम मैं बात करूँ जो मॉडर्न टाइम्स में वो ब्रेटली जैसे उनका एक्शन थोड़ा डिसेप्टिव था वो टीयर अवे फास्ट बॉलर वाला एक्शन नहीं था जैसे शायद आप ये कहें कि इवन जैसे अगर मिचेल जॉनसन को देखें तो वो लगता था कि वो बाउंड के साथ मार के सो आप ब्रेट ली को भी आप खेले होंगे सो हाउ डू उसके बारे में क्या कहते हैं ब्रेट नहीं, ली डर लगता था <laughs> <laughs> बहुत तेज था तेज इन द विकेट देखिए हमें इतनी मुश्किल इसलिए शायद नहीं होती थी कि पुरानी बॉल थे बैठे ठीक है जो नए बॉल तो करते थे उनको काफ़ी मुश्किल हुई हैं उनका बाउंसर उनके स्विंग स्पेशली दोनों के लिए लेफ्ट हैंड को अंदर आती थी राइट हैंड बैट्समैन हैं को बाहर निकलती थी और एयर बेस में पूरा एविडेंस नहीं आ रहा दोबारा दिखाइएगा ज़रा रे ब्रेटली को भी जरा दोबारा दिखाइएगा श्वेब का जो देखना चाह रहा हूँ ना वो मिल नहीं रही चीज़ें क्योंकि बॉलर का हमेशा ओपर टॉस नहीं देखा जाता दिखते हैं। ये दिखते हैं। okay. बेस देखते और गे बेस हो गई वही है लेकिन ये के मैं अगर कंपेयर करूंगा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट से सबके स्ट्राइक छोटे मिलेंगे आपके सबके छोटे ठीक है रहे। लेकिन ये थोड़ा लगे इनका एक्शन था थोड़ा सा था इनका जो बैकफुट लैंडिंग थी जो मैंने देखा है इसको इसमें पंजा सिर्फ पड़ता था 45 पे पंजा पड़ता था और ऊपर से ये साइड ऑन थे तो इस वजह से काफ़ी दफ़ा ये बाहर हो गए मैच से बाहर हो जाते थे इंजर्ड हो हो जाते थे हो जाते हो जाते तो इनका प्रॉब्लम जो था वो इनकी बैकफुट लैंडिंग थी उस पर काम किया फिर जब इनका एज हो गई जब पेस गिरने लगी तो इनकी एनहांस की पेस उसके भी तरीके होते हैं जिस तरह से अभी ऑक्सीजन पे रखा हुआ है मिचिलस्टाक को रखा हुआ है ठीक है ना इनकी पेस गिर गई थी फिर इनको दोबारा लेके आया गया ये इसकी अलग साइंस है ओके okay. ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, yeah. है कि यानी कि यू वांट टू टेल मी कि एक फास्ट बॉलर अपनी पेस एक्शन और उसके अलावा भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे वो बढ़ा सकता है बढ़ा सकता है ये नई साइंस है हमने याद है हमने जब मैग्रह आए हुए थे हमने बात की थी कि पेस नहीं बढ़ा सकते हम गलत थे शॉन टेट दिखा दें जी ये कटली अमरूज ने भी कहा था ये इधर पहुंचे हैं शायद पाकिस्तान के पास टेट का कोई हुआ था कॉन्ट्रैक्ट इफ इसमें अभी है पाकिस्तान हाँ। के वो टेस्ट मैच में ये बॉलिंग कोच थे पाकिस्तान सो लेट्स होप कि एक के साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनका हाँ। कि कोई बेहतरी लेके आए क्योंकि अफगानिस्तान के भी वर्ल्ड कप में ये थे और देखें इसमें आर्गमेंट हो सकता है कि हमारे अपन अपने पास इतने अच्छे हैं उनको हमें ट्रेन करना चाहिए अब शुएब है शुएब अच्छा लेक्चर भी दे सकता है सिखा भी सकता है मोटिवेट कर सकता है समझ बहुत तो है हम बोलिंग यूज नहीं करते अपने खिलाड़ियों को यूज़ नहीं कर सकते ये अलमिया है मेरे ख्याल से आई टोटली अग्री कि फास्ट बोलिंग जो अभी आप बोल रहे हैं जहाँ पे वसीम वकार अक्सर इमरान भाई को तो आप वो निकाल दें उसमें से इस वक्त लेकिन फिर यही जो आपने बोला कि शुएब इनके होते हुए जो कि दुनिया के बेस्ट रहे हैं वाई शुड बी लुक टर्ड्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ब्रेक लेते हैं जी ब्रेक के बाद वापस आते हैं मजीद अब वसीम वकार याद आ गए हैं हम उनके बारे में भी कुछ राशिद से पूछेंगे वह राशिद का करियर उनके साथ ही परवान चढ़ा और गुजरा ऑन है जी